कैसे हैं बच्चे? करिए लाइव। कैसे हैं बच्चे? स्वागत है आपका फिर से नए सेट में। और लगातार हम लोग बात ये कर रहे हैं कि देखिए, सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अगर सफलता चाहिए तो बार बार ये मैं बात बता रहा हूँ कि देखिए, किसी भी हाल में आपको खूब मेहनत करनी पड़ेगी। और इस एग्ज़ाम के समर में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस एग्ज़ाम के समर में अपने आप को झोंक दीजिए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम, सामने आपका एग्ज़ाम है, तो निश्चित रूप से मैं और आप मिल करके इस, ठीक है, नैया को जरूर पार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। बच्चे बहुत अच्छी बात है, जीवाश्म ईंधन कौन है? जीवाश्म ईंधन बच्चे, जीवाश्म ईंधन कौन है? तो जीवाश्म ईंधन है, ध्यान में रखिएगा, जीवाश्म ईंधन कौन होगा? तो जीवाश्म ईंधन होगा कोयला। कोयला जीवाश्म ईंधन है, और कोयला किसका बनता है? तो बच्चे कोयला बनता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, ठीक है, और सल्फर का। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर होता है। कार्बन से ऑक्साइड बन गया CO2, जल तो कोई बात नहीं है H2O, ऑक्सीजन भी कोई बात नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, लेकिन सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। बच्चे यहां देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये अधातु के ऑक्साइड है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, कहां से घुमा के क्वेश्चन पूछा, तो अधातु के ऑक्साइड एकदम याद रखिएगा, अधातु के ऑक्साइड, मैं डायरेक्ट भी मार सकता था, अधातु के ऑक्साइड क्या होंगे? तो आपको अम्लीय ऑक्साइड होगा। फिर देखिए उभयधर्मी, तो एलुमिना Al2O3, और फिर देखिए जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये क्या होता है? उभयधर्मी होता है। निष्क्रिय ऑक्साइड कौन होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निष्क्रिय ऑक्साइड होगा। फिर क्या होगा? तो बच्चे नाइट्रस ऑक्साइड, फिर क्या? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि निष्क्रिय ऑक्साइड कौन होंगे, तो ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, तो बच्चे आपको तीन चार यंत्र आपको ध्यान में रखना है। पहला गैल्वेनोमीटर, परिपथ में धारा का पता लगाने में, गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा का पता लगाने में किसका प्रयोग करेंगे? परिपथ में धारा का पता लगाने में, धारा का पता लगाने में, एकदम याद रखिए, पता लगाने में किसका प्रयोग करेंगे? तो बच्चे प्रयोग करेंगे गैल्वेनोमीटर का। फिर देखिए, आपको एमीटर की बात कर रहे हैं, एमीटर परिपथ में धारा का परिमाण मापने में, धारा का परिमाण मापने में, धारा का परिमाण मापने में, एकदम ध्यान में रखिएगा, परिमाण मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चे एमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा क्या पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर ये क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर ये क्या होता है? तो आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, यानी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, एकदम ध्यान में रखिए, वाहक बल ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए, आपको बार बार पूछेगा, क्या पूछेगा? तो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर यह क्या है निकालता है बच्चे? वोल्टमीटर यह निकालेगा आपको विभवांतर ज्ञात करने में, विभवांतर ज्ञात करने में, विभवांतर या विभव ज्ञात करने में। और एक यंत्र देखिए ज्ञात करने में यूज करते हैं इसको करने में। अब देखिए एक और चीज देखिए, ठीक है, आपको व्हीट स्टोन ब्रिज, बच्चे परिशुद्ध प्रतिरोध ज्ञात करने में, एकदम ठीक है, आपको परिशुद्ध व्हीट स्टोन ब्रिज, बच्चे व्हीट स्टोन ब्रिज प्रतिरोध ज्ञात करने में, व्हीट स्टोन ब्रिज प्रतिरोध ज्ञात करने में, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध को ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो बच्चे प्रतिरोध को ज्ञात करने में हम यूज करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है, करने में, एकदम ध्यान में रखिएगा, करने में किसका यूज करेंगे? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। और देखिए, और एक आप देखते हैं हम लोग, ठीक है, मल्टीमीटर, बच्चे मल्टीमीटर ये क्या करता है? तो मल्टीमीटर जो है, बार बार मैं बताता रहता हूँ कि ये, इससे आप क्या निकाल सकते हैं? तो भौम, वोल्टेज भी, और आपको प्रतिरोध भी, और विद्युत धारा भी, तीनों चीज ज्ञात करते हैं मल्टीमीटर से। विद्युत धारा भी ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं, और क्या कहा मैंने? तो बच्चे विद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर, यानी वोल्टेज भी ज्ञात करते हैं, वोल्ट भी ज्ञात करते हैं। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, ये मैंने बताया आपको गैल्वेनोमीटर परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए ये क्या कह रहा है,
कह रहा है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में एकदम सही है, किधर से किधर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। यहां आपको एक चीज आपको ध्यान में रखना है बच्चे, क्या ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, तो इलेक्ट्रॉन के, ये देख मान लीजिए विद्युत धारा इधर बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित होगा, यानी विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत होता है। सर लैपटॉप में अब चलता है? हाँ बच्चे बहुत अच्छे से चलेगा सर, वीडियो रुक रुक कर चल रहा है, तो यहाँ तो ठीक है, आप अपना नेटवर्क देखें, यहाँ तो काफी अच्छा नेट चल रहा है बेटा, तो इसलिए मैं लाइव हो पा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, कोई बात नहीं है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा? ये देखिए, ये देखिए विभोर जी, इधर देखिए मेरे तरफ, ये है आपका ठीक है ट्रक, और ये किनारा से यहां पर गिर गया, कितना सेकंड लगा? 0.8 सेकंड लगा बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी, आपको पता है महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान कितना होता है? जीरो होता है, तो ये देखिए यहां से यहां ले लिए, यू मान लेते हैं, और यहां से यहां लिए, तो ये ऊंचाई है बच्चे, तो आपको पता है कि क्या होता है, तो ऊंचाई एच बराबर होता है यू टी प्लस क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। महत्तम ऊंचाई पर बेटा यू का मान कितना है? जीरो है, और T का मान कितना है? तो T का मान 0.8 सेकंड दिया है, तो 0.8 लिख लीजिए ठीक है, प्लस 1/2, तो 1/2, और Z का मान कितना है? 10 है, गुना क्या 0.8 गुना 0.8 कर लीजिए ठीक है। अब देखिए क्या होगा, तो 2×5 10 कर लीजिए, 8×5 40 कर लीजिए, क्या होगा 40, और गुना क्या होगा, तो 0.8 8×5 40 बच्चे, तो यानी 4 आ गया, ये क्या आ गया 4, और गुना क्या 0.8, तो ये आ जाएगा ठीक है कितना 3.2 मीटर आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपको क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह का पूछेगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हम लोग डील करेंगे। ऐसे भी हम डायरेक्ट इसको बना लेते, कैसे बना लेते, तो बच्चे महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान तो जीरो होता है, तो आपको एच बराबर क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट डील कर लेंगे इसको, और यहां से निकाल लेंगे हम लोग एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तो जी का मान 10 है और टी का मान क्या हुआ 0.8 सेकेंड है, तुरंत निकल जाएगा बच्चे। अब देखिए बेटा मेरी बात समझिएगा, अगर किसी वस्तु को आप ऊपर फेंकते हैं तो उसका वेग कितना होगा, तो माइनस जीटी से घटेगा, माइनस जीटी से क्या होगा, घटेगा ऊपर फेंकने पर, और महत्तम ऊंचाई पर जब पहुंचेगा, यहां देखिए बच्चे वस्तु का वेग क्या है, यू है इस स्थान पर, और जब महत्तम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो इसका वेग क्या होगा, तो भी का मान जीरो हो जाएगा, और जब वस्तु नीचे गिरेगा तो इसका वेग क्या होगा, प्लस जीटी से बेटा क्या होगा, बढ़ेगा, और जब महत्तम जब आपको पृथ्वी से टकराएगी उस समय वेग क्या होगा, तो प्रारंभिक वेग के बराबर होगा। ध्यान में रखिएगा, अगर किसी वस्तु का आप ऊपर फेंक रहे हैं तो जब फेंके थे उस समय का वेग, और जब वापस लौट करके आपके हाथ तक पहुंचा उस समय का वेग बराबर होता है। जब फेंके थे तो माइनस जीटी से घटता है, जब पृथ्वी की ओर आया और आपके हाथ तक पहुंचा तो प्लस जीटी से बढ़ रहा होता है, तो यह ध्यान में रखनी चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी होती हैं। बच्चे मेरा ट्रिक आपको पता होगा, मैं बार बार बताता रहता हूं, बी बी एल, ये देखिए बी बी एल यानी बोन, बोन मतलब अस्थि, अस्थि और अस्थि किससे जुड़ा हुआ है, तो बच्चे लिगामेंट से, लिख लीजिएगा इसको, लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, लिगामेंट, लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु, क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं बच्चे, स्नायु याद रखना है, स्नायु याद रखिए, स्नायु, ये देखिए स्नायु बोलते हैं, तो बोन बोन लिगामेंट, बीबीएल 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 एकदम ध्यान में रखिएगा। और देखिए मसल बोन क्या होगा, टेंडन, मसल बोन टेंडन, बच्चे मसल बोन क्या होगा, टेंडन, टेंडन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो टेंडन को कहते हैं कंडरा, क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं बेटा, कंडरा बोलते हैं, और ध्यान में रखिएगा बच्चे, तो यहां क्या होगा, स्नायु हो जाएगा, स्नायु हो जाएगा। क्या कह रहा है, क्या दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ा होता है जिसे स्नायु कहा जाता है। यहां देखिए उपास्थि क्या होता है, कार्टिलेजेस बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, कार्टिलेजेस कहा जाता है, और ये कार्टिलेजेस क्या होता है ये ध्यान में रखिएगा, तो कार्टिलेजेस जो होता है वह ठीक है मुलायम बनाता है, हड्डियों को मुलायम बनाने का काम कौन करता है, तो कार्टिलेजेस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यहां मैंने आपको तरीका बताया था किस तरह से बनाते हैं बच्चे, यहां देखिए जैसे इस तरह का सवाल आए, यहां देखिए ये प्रतिरोध हो गया, ये देखिए विद्युत धारा हो गया, और ये देखिए एक मिनट टाइम दिया हुआ है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, आवेश, तो आवेश निकालने का कह रहा है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना क्या होगा, समय हो जाएगा,
विद्युत धारा गुना समय हो गया, विद्युत धारा गुना क्या हो गया तो समय हो गया बेटा। तो आप देखिए निकाल लीजिए इसको, विद्युत धारा कितना है तो विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है, गुना कितना समय देखिए एक मिनट है तो एक मिनट में 60 सेकंड हो गया, 56 30 हो गया बच्चे, यानी आपको कितना हो जाएगा तो बच्चे 30 कूलम आवेश होगा। देखिए कितना आसान है निकालना, तो आपको बार बार, हाँ सेट फोर में भी था लेकिन यहां पर देखिए दूसरे तरह से है बच्चे, ठीक है थोड़ा सा डिजिट चेंज है, तो ग्रुप डी में प्रायः ऐसा ही होगा आपको कि पहला सेट दूसरा सेट तीसरा सेट इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वह आपको केवल डिजिट चेंज होगा, फॉर्मेट सेम ही होगा। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है और देखिए बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, याद रखिएगा इसको क्या कह रहा हूं मैं। सबसे पहले एस ब्लॉक, कौन कौन वर्ग के तत्व एस ब्लॉक होंगे, तो बच्चे आपको पता होगा फर्स्ट ए, ठीक है क्षार धातु, कौन सा धातु क्षार धातु, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये हो गया आपको एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकेंड ए क्षारीय मृदा धातु, एकदम लिख लीजिएगा इसको, क्षारीय मृदा धातु यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हो गया, क्षारीय मृदा धातु हो गया, जैसे आप लीजिए बच्चे लीजिए जैसे कैल्शियम, जैसे क्या हो गया कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, ये ध्यान में रखिए। अब देखिए अब एक और बातें मैं बता रहा हूं, यहां आपको ध्यान में रखना है कौन सा ब्लॉक, तो बच्चे बात कर रहे हैं हम लोग पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन होगा, तो बच्चे 13वें वर्ग से शुरू कीजिए, कौन सा वर्ग 13वां वर्ग, 13वां वर्ग कौन होता है तो 13वां वर्ग होता है एल्युमिनियम वर्ग, कौन सा वर्ग एल्युमिनियम वर्ग होगा, 13वें वर्ग से शुरू कीजिए और आपको लेके चलते हैं एल्युमिनियम वर्ग यानी बोरोन वर्ग भी बोल सकते हैं एल्युमिनियम वर्ग को, और लास्ट हो गया 18वां वर्ग यानी 13वां 14वां 15वां 16वां और 17वां वर्ग जो है, 18वां वर्ग जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा, ध्यान में रखिएगा कौन 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 मैं बता रहा हूं, 13 तो ये बोरोन वर्ग 14 बेटा एकदम ध्यान रखिएगा 14 ये कार्बन वर्ग, ठीक है फिर देखिए 15 क्या होगा तो 15 जो है ये ध्यान में रखिएगा नाइट्रोजन वर्ग, या इसको एक और नाम देते हैं, क्या देते हैं बेटा निक्टोजेंस, याद रखिएगा निक्टोजेंस या निकोजेंस भी बोलते हैं, निकोजेंस भी कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिए निकोजेंस भी कहा जाता है इसको, निकोजेंस भी कहा जाता है, निक्टोजेंस बोलिए या निकोजेंस बोलिए। चलिए 16वां वर्ग क्या होगा, 16वां वर्ग देखिए क्या होगा, 16वां वर्ग को हम चेल्कोजेंस कहते हैं, क्या कहते हैं चेल्कोजेंस कहते हैं बच्चे, चेल्कोजेंस कहते हैं याद रखिएगा चेल्कोजेंस कहेंगे। 17वां वर्ग क्या होगा हेलोजेन, 17वां वर्ग क्या होगा तो हेलोजेन होगा याद रखिए हेलोजेन होता है 17वां वर्ग, हेलोजेन हो गया। और 18वां वर्ग आपको पता है बेटा 18वां वर्ग क्या होगा तो 18वां वर्ग हो गया, ध्यान में रखिएगा 18वां वर्ग होगा अक्रिय गैस या इनर्ट गैसेस हो गया या अक्रिय गैस हो गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अब एक और चीज बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन सा होगा, तो बच्चे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है आपको 3 से लेकर 12 वर्ग होगा और इसे संक्रमण धातु कहते हैं, कौन सा धातु कहते हैं संक्रमण धातु, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। एक दो उदाहरण देख लीजिए, ठीक है संक्रमण धातु कहते हैं कौन कौन बच्चे, उदाहरण देख लीजिए जैसे आपका क्रोमियम, जैसे आपका फेरस, जैसे आपका निकेल, ये सब क्या हुआ संक्रमण धातु हो गया। अब आते हैं हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट पर, बच्चे एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है तो आपको लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आता है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड्स और क्या आएगा एक्टिनाइड्स आएगा, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स आएगा। और आपको याद रखना है, क्या याद रखना है बेटा ये ध्यान में रखिएगा, क्या याद रखना है यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या याद रखना है तो 57 से 71, ये देखिए 57 से 71 परमाणु संख्या वाला 14 तत्व ये क्या होगा तो बच्चे ये होगा लेंथेनाइड्स, क्या होगा लेंथेनाइड्स होगा, 57 से 71 14 तत्व लेंथेनाइड्स होगा। और 89 से 103 क्या होगा तो बच्चे ये भी 14 तत्व होगा, ये एक्टिनाइड्स होगा लेंथेनाइड्स, 57 से 71 14 तत्व लेंथेनाइड्स और 89 से 103 14 तत्व क्या हुआ एक्टिनाइड्स हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चे, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व, ठीक है आपको लग रहा होगा कि लेंथेनाइड्स है, नहीं बच्चे 57 को छोड़ दीजिए, ठीक है 58 से जोड़िए, 58 से लेकर के 71 14 तत्व आपको पूर जाएगा। और ये क्या है तो बच्चे ये 57 वाला लेंथेनम है, लेंथेनम एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, और ये 58 से शुरू होता है, 58 सीरियम होता है, 58 क्या होता है सीरियम होता है बेटा, सीरियम होता है एकदम ध्यान में रखिएगा। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेंथेनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, जबकि सीरियम से 71 जो परमाणु संख्या वाला तत्व होगा वह 14 तत्व लेंथेनाइड्स कहलाएगा। 89 से 103 परमाणु संख्या वाला तत्व जो है
एकदम लिख देंगे बेटा, लिख देंगे, एकदम लिख देंगे विभोर कुमार सिन्हा जी, एकदम लिख देंगे। तो देख लीजिए कितनी बातें मैंने यहां पर बताई। 89 से 103 कहने के लिए है, लेकिन 90 से शुरू होगा, यानी आपको 89 कहां से शुरू होगा, 90 से शुरू होगा। 58 से 71 14 तत्व लेंथेनाइड्स, और 89 से 103 14 तत्व जो है वह एक्टिनाइड्स कहलाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे बढ़ रहे हैं, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं बच्चे? इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करना है। ये देखिए C2H5OH है, और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से पहले अभिक्रिया करवा दीजिए, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C2H5HSO4 बन गया, HSO4 बन गया। और अंत में क्या करते हैं तो बच्चे, फिर इसको डिहाइड्रेटिंग करेंगे, तो अंत में क्या बन जाएगा, C2 और आपको C2H6 बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। कौन सा प्रयोग होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे, कौन सा अम्ल का, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करेंगे। C2 ठीक है, H6 बन जाएगा बच्चे, ठीक है, इथेन बन जाएगा, इथेन में परिवर्तित हो जाएगा। जनरली ये इथेन में परिवर्तित नहीं होना चाहिए था, ये देखिए इथेनॉल को किसमें, तो बच्चे याद रखिएगा इसको, इथेनॉल को किसमें परिवर्तित करेंगे, आपको इथीन, इथीन में परिवर्तित करेंगे। थोड़ा सा स्पेलिंग में चेंज है, इथीन बोल रहे हैं, इथीन, इथीन बच्चे, एथीन ऐसे लिखते, एथीन में परिवर्तित करना है। तो ये देखिए C2H6 नहीं, C2H4 में परिवर्तित करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये जो है C2H5HSO4, पहले तो 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए, फिर क्या किए, 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए, तो ये क्या हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं क्या, इथीन कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, इथीन कहते हैं। यानी इथेनॉल को, ठीक है, इथीन में परिवर्तित करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की आवश्यकता होगी। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये H2SO4 है बच्चे, इसको क्या कहते हैं, तो ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल, कशिश का तेल कहा जाता है, कशिश का तेल कहा जाता है बच्चे। आप लोग जाते होंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट खाने के लिए, वहां देखिएगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अगर पानी, पानी आपके हाथ में लग गया है तो एक ड्रायर के पास में आप हाथ ऐसे रखते हैं, उसमें भी आपको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला रहता है। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, ऑडोमीटर का उपयोग किसके मापने में करते हैं बच्चे? याद रखिए, आपको पता है दिशा मापने में किसका करते हैं, विंड मिल, किसका प्रयोग करेंगे, विंड मिल का प्रयोग करते हैं बच्चे, विंड मिल का प्रयोग करते हैं दिशा निकालने में। गति, अगर हवा की गति रहेगा, हवा की गति रहेगा तो आपको एनीमोमीटर, अगर वाहनों की गति होगा तो स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, और अगर वाहन की गति रहेगा बच्चे, वाहन की गति, तो इसको क्या कहते हैं, तो वाहन की गति को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर करेंगे यूज। लेकिन आपको दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का यूज करते हैं, दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। एकदम याद रखिएगा, दिशा मापने के लिए विंडमिल, और ठीक है आपको दूरी मापने के लिए ऑडोमीटर, और ठीक है आपका वाय हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर, और वाहन की गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चे? एकदम आसान क्वेश्चन है, आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड का देखिए तीन दिया हुआ, Fe2O3, यहां देखिए आयरन तीन ऑक्साइड है बच्चे, आयरन तीन ऑक्साइड है, तो क्या होगा, Fe2O3, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि फेरस का जो आपको है, फेरस का ये तीन हो गया, और ऑक्सीजन का देखिए तीन है लिखा हुआ, और ऑक्सीजन का दो होता है वैलेंसी। अब क्या करेंगे हम, उल्टा पुल्टा कर दीजिए, इसको यहां भेजिए और इसको यहां भेजिए, इसी तरह से भेजा जाता है आपको यौगिक बनाने के लिए, तो क्या बन गया, Fe2O3। और याद रखिए बच्चे, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस, अगर फेरिक ऑक्साइड होता तो आपको फेरस की दो संयोजकता होती है, फेरस ऑक्साइड हो गया, फेरस ऑक्साइड होगा। और आपको पता होनी चाहिए कि फेरस की दो संयोजकता होती है, फेरस Fe कि कितनी संयोजकता, Fe की दो संयोजकता होती है, वैलेंसी दो होती है, कौन कौन बच्चे, तो आपको पता होनी चाहिए कि एक होगा क्या, तो आपको +2, इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक, क्या बोलेंगे, फेरिक, और अगर +3 हो गया तो इसको बोलते हैं फेरस, क्या बोलेंगे बेटा, फेरस कहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, अस अगर होगा तो +3 होगा, इक अगर होगा तो +2 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा Fe2O3, Fe2O3 बच्चे। लोहा, लोहा देखिए, लोहा
आठवें वर्ग का तत्व है, आठवें वर्ग का तत्व है, वर्ग का तत्व है, ध्यान में रखिएगा, आठवें वर्ग का तत्व है। लोहा, आपको पता होनी चाहिए कि इसकी परमाणु संख्या 26 है। लोहा डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लोहा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ध्यान में रखना है बेटा। बार बार क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ग का है, तो आठवें वर्ग का है। और कितनी परमाणु संख्या, तो 26 है इसकी परमाणु संख्या होती है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा 26 इसकी परमाणु संख्या होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या किसकी होगी, तो बच्चे आपको पता है कि हेलोजन की परमाणु संख्या क्या होती है, तो बच्चे ये देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 और फिर देखिए ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी होगी 35, आयोडीन का 53 हो गया और एस्ट्राटीन का क्या हो गया, तो बच्चे 85 हो गया, क्या हो गया 85 हो गया। तो ये देखिए फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये आपको क्या है, तो हेलोजेन है, क्या है हेलोजेन। बच्चे हेलोजेन का मतलब क्या होता है, तो लवण उत्पादक होता है, लवण उत्पादक, साल्ट प्रोड्यूसर होता है, लवण उत्पादक होगा, लवण उत्पादक होगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्या होगा लवण उत्पादक होता है, एकदम याद रखिएगा बच्चे। अब देखिए हेलोजन मतलब क्या हुआ, लवण उत्पादक, साल्ट प्रोड्यूसर बोलते हैं। और फ्लोरीन का कलर कैसा होता है, तो हरित पीली गैस, कौन सी गैस, हरित पीली गैस होती है। अब क्लोरीन बोलते हैं ये पीली गैस होती है, पीली गैस होती है, ध्यान में रखिए बेटा, और ये हरित पीली होगा क्लोरीन, हरित पीली क्लोरीन हो गया। ब्रोमीन जो है लाल भूरा होता है, क्या होता है लाल भूरा होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा लाल भूरा होगा। आयोडीन जो होता है ये बैगनी होता है, और आपको पता होनी चाहिए कि आपका स्टैटिन जो होता है ये क्या है, तो रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रिय है बेटा, रेडियो सक्रिय है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अल्कली मेटल्स क्या होता है, तो फर्स्ट ए वर्ग का तत्व, फर्स्ट ए वर्ग का तत्व को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। हैलाइड्स आपको पता है कि निष्क्रिय गैस क्या होगा, तो निष्क्रिय गैस हैलाइड्स मतलब क्या हुआ, तो ये लवण हो गया, लवण हो गया हैलाइड्स, जो लवणीय मृदा, लवणीय लवणीय होता बच्चे, लवणीय, ठीक है, लवणीय मृदा में अगर कोई भी वनस्पति उगेगा तो उसको हैलाइड्स कहा जाता है। अक्रिय गैस 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व होता है, वर्ग का तत्व होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। 18वें वर्ग का तत्व कौन होगा, तो निष्क्रिय गैस होगा, इसमें क्या आएगा, तो हेलो आपको हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनन और रेडॉन होगा, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनन और क्या होगा रेडॉन होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा होती है बच्चे, क्या होगा बच्चे। अब देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ा आसान है, बना देंगे, देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए बच्चे, दोनों में आपको बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा, दोनों में बल समान है बच्चे, तो बल समान है तो आपको पता है संवेग संरक्षित रहता है, बल समान है तो आपको पता होगा कि संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग क्या होगा संरक्षित रहेगा। तो अब देखिए क्या कह रहा बच्चे, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, तो पी स्क्वायर बटा 2m, ध्यान दीजिएगा पी स्क्वायर बटा क्या होगा 2m होता है, ये भी फार्मूला होता है, ये रामबाण फार्मूला है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा 2m, जरा ध्यान दीजिए बच्चे। आप सोच रहे होंगे सर ये फार्मूला काहे लिखने लगे, तो बिना प्रूफ के मैं कोई काम नहीं करता हूं बच्चे, पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखिए क्या समान है बच्चे, मैंने कहा बंदूक से गोली का छोड़ा जाना संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, संवेग संरक्षण आप कई बार पढ़े होंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी संवेग आपको समान होगा, संवेग आपको समान होगा, यानी संवेग यहां नियत कर लीजिए, जो समान है उसको नियत, पी बराबर क्या हुआ नियत हो गया, तो आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आपको 2m। बच्चे जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, यानी बंदूक, ठीक है, बंदूक बंदूक का क्या होगा द्रव्यमान आपको अधिक है उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, बंदूक की तुलना में क्या होगा, तो बंदूक की तुलना में कम गलत बात है, अगणनीय गलत बात है, गणनीय कर सकते हैं हम लोग, बंदूक की तुलना में अधिक होगा, याद रखिएगा आपको गोली का वेग जो है, गोली का द्रव्यमान कम है इसीलिए उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बंदूक का द्रव्यमान अधिक है इसीलिए उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत लाजवाब है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घर्षण बल कार्य करता है, तो घर्षण बल हमेशा बल की बल के दिशा के विपरीत कार्य करता है, ये देखिए ये घर्षण बल है, आपको इधर अगर घर्षण बल लग रहा है, अगर वस्तु इधर गमन कर रहा है, यहां आरोपित बल लग रहा है, तो घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत कार्य करता है, यानी घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के दिशा के विपरीत कार्य करता है। यहां देखिए बल की दिशा में किसी कोण पर, गलत बात है, बल की दिशा में लंबवत, बल की दिशा में कार्य करेगा, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत कार्य करेगा, बल की दिशा के विपरीत कार्य करेगा, यानी आपका आंसर क्या होगा, तो डी नंबर होगा। घर्षण बल याद रखना बच्चे, नोट डाउन करिए इसको, घर्षण बल क्या होगा, तो घर्षण बल असंरक्षी बल है,
असंरक्षी बल है, असंरक्षी बल है यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है और यहीं से निकल के आ गया एफ बराबर म्यू आर, जहां म्यू घर्षण गुणांक कहलाता है, जहां म्यू घर्षण गुणांक कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है सर जी, तो क्वेश्चन चूंकि ऑलरेडी ये मैंने सेट नहीं किया है बेटा, प्रीवियस ईयर है, देखिए टीसीएस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, तो जिस तरह से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर में आया है क्वेश्चन, हूबहू हमने क्वेश्चन रख दिया है, इसमें कोई छेड़छाड़ हमने नहीं किया है बच्चे, तो रिपीट तो होगा बेटा, रिपीट होगा, टेंशन मत लीजिए, और रिपीट होगा तो आपके लिए अच्छा है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बच्चे आपको पता है ये अभिसारी दर्पण है, ये देखें ये दर्पण है अभिसारी, और इसके मुख्य फोकस पर रख दीजिए वस्तु को, चलिए मुख्य फोकस पर रखिए, एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर गई और एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखिए बच्चे क्या होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जाकर के अनंत पर बनेगा, टू इन्फिनाइट, कहाँ बना, तो टू इन्फिनाइट बना, और क्या होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा, अत्यधिक आवर्धित होगा यानी बहुत बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि किस तरह का प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो हाईली मैग्निफाइड बनेगा, और कहां बनेगा, तो बच्चे फिर अनंत पर बनेगा, कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, कैसा बनेगा, तो काफी बड़ा आवर्धित बनेगा बच्चे, अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए वो करने वाला उत्तक कौन है, तो बच्चे गर्भाशय में, ठीक है, आपको देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, पहले भी मैंने बता चुका हूं आपको, याद रखिए ये क्या है, अंडाणु है, क्या है बच्चे, अंडाणु, ये फीमेल से प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं ओभा, क्या बोलते हैं ओभा, और मेल से क्या प्राप्त हुआ, तो मेल से बेटा स्पर्म या शुक्राणु प्राप्त होता है, क्या बोलते हैं इसको, शुक्राणु कहते हैं बच्चे, शुक्राणु, और ये दोनों मिलते हैं कहां पर, तो ये दोनों मिल गए फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में ये मिलते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ये मिलते हैं, ध्यान में रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब में ये मिलते हैं, और इसी को बोलते हैं निषेचन, और ये बन गया आपको ये बन गया जायगोट, क्या बन गया जायगोट, और 7 दिन के भीतर ये बना लेता एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना लिया, ये युग्मनज बना और ये भ्रूण बन गया बच्चे, कितना दिन में, भ्रूण, भ्रूण बन गया, ये कहां पर स्थापित होता है, तो ये स्थापित हो गया कहां पर, गर्भाशय में, कहां स्थापित हो गया, यूटरस में, यूटरस या गर्भाशय में स्थापित हो गया, और गर्भाशय में आपको पोषण और उत्सर्जन दोनों करने का काम कौन करता है, तो वो प्लेसेंटा करेगा, कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा, यानी फेलोपियन में, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, जबकि आपको क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, जबकि प्लेसेंटा जो है वह आपको जो भ्रूण होता है उसको पोषण और उत्सर्जन दोनों करने का काम करता है बच्ची। वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है क्या कहलाती है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाता है, और क्लोर क्षार अभिक्रिया में क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं बच्चे, ये देखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं इसको, और इसमें क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन होता है और आपको NaCl प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटन होगा और क्या प्राप्त करेंगे, तो NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त किया जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, जबकि बेयर प्रक्रिया में क्या होगा, तो बॉक्साइट का निष्कर्षण होता है, बेयर प्रक्रिया में क्या होगा, तो आपको बॉक्साइट का निष्कर्षण होता है, बॉक्साइट का निष्कर्षण होता है, ध्यान में रखिएगा, बॉक्साइट का क्या होगा, निष्कर्षण होगा, यानी बॉक्साइट जो है वह क्या होता है, एलुमिना Al2O3 2S2O होता है, इसका निष्कर्षण किया जाता है किसके द्वारा, तो बेयर्स अभिक्रिया के द्वारा, बेयर्स अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो ये बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा। हॉल हेरोल्ट अभिक्रिया, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं बच्चे, तो इसके द्वारा आपको एल्युमिनियम का ही निष्कर्षण करते हैं, लेकिन जिसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है उसका निष्कर्षण किया जाता है, तो यह ध्यान में रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक आयरन जिस पर 100 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे जलाए जाते हैं, तो उसके द्वारा 30 दिन में उपयुक्त, ठीक है, कुल ऊर्जा किलोवाट आवर में कितना होगा, तो यूनिट विद्युत खपत लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, यूनिट विद्युत खपत क्या होता है, पावर गुना एन गुना टी बटा कितना, 1000 बच्चे, तो पावर कितना है, 1000 वाट है, ठीक है, एन कितना है बच्चे, तो एन आपको पता है कि एक है आयरन, ठीक है, और टाइम कितना है, तो 3 घंटा है, और बटा क्या कर दीजिए,
30 दिन एक महीने का बटा क्या कर दीजिए 1000 कर दीजिए बच्चे, तो 1000 तो कट गया, 30 कितना होगा 90 यूनिट विद्युत खपत होगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, मैं रामबान फार्मूला बताता हूँ बार बार आपको, क्या बता रहा हूँ रामबान फार्मूला बच्चे, रामबान फार्मूला क्या है आपको, तो रामबान फार्मूला है क्या, पावर गुना एन गुना टी बटा 1000, और इसी को बोलते हैं यूनिट विद्युत खपत, यूनिट विद्युत खपत घरेलू यूनिट विद्युत खपत के द्वारा इसके द्वारा निकाला जाता है, यूनिट विद्युत खपत इससे हम निकालते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, यूनिट विद्युत खपत क्या होगा, पावर गुना एन गुना टी बटा 1000, पावर गुना एन गुना टी बटा क्या होगा 1000 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिलियन ए का पीएच मान 6, बिलियन बी का पीएच मान 8 और बिलियन सी का पीएच मान 2 है, किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। बच्चे पहले सबसे पहले देखिए पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण एकदम याद रखिएगा, आयन का क्या होगा सांद्रण होगा। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि पीएच बराबर होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, या आप कर सकते हैं इसको 1/1/, ठीक है, आपको क्या होगा 1/H+ आयन कंसंट्रेशन, लॉग 1/H+ आयन कंसंट्रेशन। बच्चे जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी उसका पीएच मान कम होगा, इसको लिख लीजिएगा जो मैं लिखा रहा हूं आपको, जिसमें एच प्लस आयन की सांद्रता अधिक पीएच कम, आयन अधिक एच प्लस आयन की सांद्रता अधिक, एच प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी अधिक, सांद्रता अधिक होगी, अधिक अधिक पीएच कम, अधिक क्या होगा पीएच कम होगा, अधिक पीएच कम होगा एकदम ध्यान में रखिएगा, अधिक पीएच कम याद रखना बच्चे पीएच कम। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे अधिक पीएच मान किसका है, तो बच्चे सबसे कम पीएच मान देखिए, पीएच मान जिसका 2 है उसका आपको क्या होगा, उसका उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, तो किसका है सी का है, तो सी मारिए आंसर एकदम याद रखेगा, ठीक है। ऐसे भी आपको पता है पीएच कहां से कहां तक होता है, तो पीएच 0 से लेकर के 14 तक होता है, 0 से 7 आपको क्या होगा 7 उदासीन होगा, 7 से 0 के तरफ जाएंगे तो क्या होगा अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 से 14 के तरफ जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, नोट डाउन निश्चित रूप से करिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है बच्चे, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होगा, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होगा, क्या होता है ये देखिए हाइड्रा, हाइड्रा निडेरिया संघ का जंतु है, निडेरिया संघ का जंतु है, और इसमें क्या होता है इसमें इस तरह से बर्ड्स निकल आते हैं, और ये बर्ड्स क्या होगा समय रहते बाहर निकल गया और फिर एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। यहां देखिए आपको स्टार फिश जो है इकोनोडर्माटा है बच्चे, इकोनोडर्माटा है याद रखना बच्चे, इकोनोडर्माटा है, इकोनोडर्माटा है, और आपका केचुआ जो है एनिलिडा है, एनिलिडा संघ का जंतु है बच्चे, एनिलिडा संघ का जंतु होता है केचुआ, एनिलिडा संघ का जंतु होता है, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा ध्यान में रखिएगा। जो भी निडेरिया संघ का जंतु होगा वह उसके उसका शरीर जो है द्विस्तरीय होता है, द्विस्तरीय होता है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में से शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, तो बच्चे विटेकर ने क्या किया, तो विटेकर ने आपको ध्यान में रखना है कि विटेकर ने ठीक है पांच जगत वर्गीकरण किया ध्यान में रखिएगा, पांच जगत वर्गीकरण किसने किया, तो विटेकर ने, और विटेकर ने क्या किया, सबसे पहले रखा मोनेरा को, उसके बाद रखा मोनेरा बेटा, और उसके बाद प्रोटिस्टा को रखा, फिर क्या रखा तो आपको फंगी रखा, फिर क्या रखा तो एनिमेलिया रखा, प्लांटी रखा, फिर क्या रखा तो बच्चे ठीक है एनिमेलिया रखा, याद रखिए बच्चे एनिमेलिया रखा इन्होंने, यानी ये देखिए मोनेरा प्रोटिस्टा कवक पादप और जंतु, मोनेरा प्रोटिस्टा कवक ठीक है पादप और जंतु इस वर्ग में विभाजित किया, जबकि मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक जीव है, याद रखिए मोनेरा प्रोकैरियोटिक है बच्चे, प्रोकैरियोटिक है, यानी यह इसमें विकसित नाभिक नहीं पाया जाता, तो मोनेरा आपका आंसर होगा मोनेरा आपका आंसर होगा, जबकि आपको प्रोटिस्टा फंगी पादप और जंतु ये तीनों जो है यूकैरियोटिक जीव है, ये तीनों जो है यूकैरियोटिक जीव है। चलिए नहीं कराएंगे बेटा, नहीं कराएंगे, कल कराएंगे, आप जैसा बोलेंगे उसी तरह से करेंगे। यहां देखिए उन तीन तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहां देखिए मैग्नीशियम
इसके इसका परमाणु संख्या क्या होगा बच्चे 12 है, इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम इसका परमाणु संख्या कितना है तो 20 है, इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। बेरियम यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि सब क्षार धातु है, क्षारीय मृदा धातु है। कौन सा धातु है? क्षारीय मृदा धातु, ध्यान में रखिएगा क्षारीय मृदा धातु है, एकदम याद रखिएगा ठीक है। और लिथियम सोडियम पोटेशियम इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम, हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बच्चे, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा है। नियोन इसके अंतिम कक्षा में 8, आर्गन अंतिम कक्षा में 8, तो यहां भी गड़बड़ हो गया है। तो आपको एक किस में होगा? लिथियम सोडियम पोटेशियम। याद रखिए फर्स्ट ए वर्ग का तत्व क्षार धातु होता है। फर्स्ट ए वर्ग का तत्व क्या होगा? तो क्षार धातु होगा। क्या होगा? क्षार धातु होगा। और इसी के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़ रहे हैं, याद रखिए जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश के डैश एंजाइम की को निष्क्रिय बना देता है। तो बच्चे या पेप्सिन को, किसको बच्चे? या पेप्सिन को, ध्यान में रखिएगा, या पेप्सिन को क्या कर देगा? निष्क्रिय बना देगा, याद रखना है। आपको बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जठर ग्रंथि से क्या स्रावित होता है, तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, HCl। और यह कहां से स्रावित होगा? तो ऑक्सेंटिक, ऑक्सेंटिक सेल से स्रावित होता है, ऑक्सेंटिक सेल से स्रावित होता है, ध्यान में रखिए। ऑक्सेंटिक सेल से क्या होगा? स्रावित होता है। और ये देखिए एमाइलेज लाइपेज और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ये कहां से स्रावित होता बेटा? तो ये पेनक्रियाज से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होगा। किससे स्रावित होगा? अग्नाशय से स्रावित होता है, ध्यान में रखिएगा। किससे स्रावित होगा? तो अग्नाशय से स्रावित होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, कोई बात नहीं, इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चे आपको पता है कि द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, कोई बात नहीं है। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? यह द्रव्यमान संख्या बेटा, द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? तो न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन, संख्या बराबर होगा न्यूट्रॉन प्लस क्या? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या बटे प्रोटोन की संख्या, एकदम ध्यान में रखिएगा, प्लस नंबर ऑफ प्रोटोन्स, प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब आपको क्या निकला? प्रोटोनों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या कहते हैं, ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। परमाणु संख्या कहते हैं प्रोटोनों की संख्या को। अब देखिए P बराबर क्या करिए? A माइनस N कर लेते हैं। A का मान कितना है? 298 है। और N का मान कितना है? 189 है। तो बेटा इसको घटा लीजिए, कितना आएगा? तो 109 आ जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा परमाणु संख्या? 109 होगा। कितना होगा परमाणु संख्या? 109 होगा। तो ये खत्म हो गया बेटा। अब देखिए, अब याद रखिए, एक बच्चे ने मेरे से कहा था कि सर अपना चैनल का नाम बताइए, तो कंपटीशन व्यू, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी, इस पर आप डेली मॉर्निंग में 6 बजे जुड़ सकते हैं। और वहां पर ये मेरा कोचिंग है और मेरा आपको इंस्टीट्यूट भी है, और यहां से आपको न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन में डेली करा रहा हूं, तो उसमें जुड़िए। और इसी के टेलीग्राम चैनल से आप क्वेश्चन भी ले सकते हैं, और उसको पहले से मार लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। हर दिन सेट 3 अभी चलेगा, सेट 3 डाल दिया गया होगा, तो आप सेट 3 को बनाइए और मिलिए मेरे से कंपटीशन व्यू।